हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिकल इन्फोलाइन। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्री डायबिटीज़। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, डायबिटीज़ के पहले की स्टेज, ये एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। अगर इस कंडीशन को हम बीमारी होने के पहले ही समझ लेते हैं और उसको रोकने के लिए जो समाधान है, प्रिवेंशन है, वो अगर कर लेते हैं तो डायबिटीज़ से काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इससे संबंधित कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ गलत धारणाएं हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास हैं, जिनको आज यहां पे क्लियर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें। प्री डायबिटीज़ के बाद डायबिटीज़ की स्टेज है, तो इसलिए इसको हमें बचाव करना है। तो प्री डायबिटीज़ है क्या? व्हाट इज प्री डायबिटीज़? प्री डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर उसको क्लासिफाई किया जा सके। लेकिन प्री डायबिटीज़ होता क्यों है? तो बॉडी में जो इंसुलिन रिलीज होता है पेनक्रियाज से, वो बॉडी उसको उसके लिए रेजिस्टेंट होती है। मीन्स पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है जो कि ब्लड शुगर को कम करता है, लेकिन सेल जो बीटा सेल्स हैं उससे कम इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, या बॉडी के जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट हैं इंसुलिन को, तो इसलिए डायबिटीज़ होता है। और ये प्री डायबिटीज़ पहले की कंडीशन है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यहीं पे आपको दोस्तों समझना है कि सिम्टम्स, वास्तव में इसमें कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं। यहाँ पे लोगों को गलत धारणाएँ बनी है या गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इसमें कई सिम्टम्स होते हैं, कमजोरी लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, यूरिन आना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इसको डेंजरस डिसीज़ मानी जाती है, और ये पर्सन को विदाउट सिम्टम्स कई सालों तक भी ये रन कर सकती है। तो क्या ये एक सीरियस कंडीशन है प्री डायबिटीज़? तो डेफिनेटली ये सीरियस कंडीशन है, क्योंकि इससे टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट डिसीज होने का रिस्क बढ़ जाता है, और स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें रिस्क पे कौन है, किनको प्री डायबिटीज़ हो सकता है? जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ हो, मिडिल एज पीपल, ओवरवेट हो या ओबीज हो, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो, या हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर किसी वुमेन को पहले से प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज़ हो गया है तो उनको रिस्क होता है प्री डायबिटीज़ का। तो इसको डायग्नोज कैसे करते हैं प्री डायबिटीज़ को? तो इसके डायग्नोसिस के लिए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको बड़े गौर से समझनी है कि आप यहाँ एक वर्ड देखिए, यूज़ किया गया प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, और एक होता है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। दोनों में डिफरेंस है। जो आप ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं वो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है, और प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट लैब में किया जाता है, सैंपल वेन से कलेक्ट करके। तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है, ये ब्लड शुगर लेवल से 15-20% ज़्यादा रिफाइंड टेस्ट है और ज़्यादा एक्यूरेट टेस्ट है। होता क्या है कि जो आरबीसी से जो ग्लूकोज बॉन्ड बनाता है, तो वो जब प्लाज्मा में वाटर होता है और वो डिजॉल्व उसमें शुगर हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो अगर ये 100-125 मिलीग्राम परसेंट है तो प्री डायबिटीज़ है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये 8 आवर्स मिनिमम फास्टिंग रख के और मॉर्निंग में पहले फास्टिंग टेस्ट किया जाता है, उसके बाद में 75 ग्राम ग्लूकोज दे के डिजॉल्व करके भी उसका सोल्यूशन शुगर का पिलाया जाता है, और उसके 2 घंटे बाद टेस्ट किया जाता है। अगर ये रीडिंग 140 से 199 मिलीग्राम परसेंट आती है तो ये प्री डायबिटीज़ की कंडीशन है। HbA1c टेस्ट, तो HbA1c अगर 5.6 के नीचे है तो नॉर्मल होता है, और अगर ये 5.6 से 6.5% है तो ये प्री डायबिटीज स्टेज है। तो इसको जो प्री डायबिटिक पर्सन है उसको कैसे वो अवॉइड करें कि वो डायबिटिक ना बने? तो इसके लिए हेल्दी डाइट, डाइटरी हैबिट अपनाना होगा, जिसमें फोकस करेंगे, वेल बैलेंस डाइट लेंगे, जिसमें
फ्रूट वेजिटेबल होल ग्रेन लीन प्रोटीन एंड हेल्दी फैट लेना है। इसमें फोकस करेंगे कि वेल बैलेंस्ड डाइट जिसमें शुगरी फूड प्रोसेस्ड स्नैक एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इसको कम से कम लेंगे, इस मेंटेन हेल्दी वेट, वेट लॉस करेंगे अगर ओवरवेट ओबीज हैं तो। इसके लिए धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है हेल्दी डाइट से एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जिससे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी और ब्लड शुगर रिड्यूस होगा। अगर आप 30 मिनट कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं जैसे वॉकिंग रनिंग स्टेज जंपिंग कोई भी चीज करते हैं तो उससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा और डायबिटीज से प्रिवेंशन हो सकता है। स्मोकिंग में नहीं करेंगे जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, और इसको कम करने के लिए अपनी विल पावर स्ट्रांग करेंगे, मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं और जो क्विट स्मोकिंग के कई सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करके आप स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। शुगर बेवरेज एंड अल्कोहल इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज के, और इसको इसमें जैसे सोडा फ्रूट जूसेस एनर्जी ड्रिंक्स और एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन को टोटली अवॉइड करेंगे या काफ़ी कम से कम करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, कोई भी आप मेथड अपना सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्योंकि ये ब्लड शुगर को और ज़्यादा वर्स करता है। नींद अपनी प्रॉपर लेंगे, 8 घंटे की स्लीप सफिशियंट होती है, और अगर स्लीप डिस्टर्ब होती है तो इंसुलिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है और डायबिटीज ज़्यादा डेंजरस स्टेज में जा सकती है। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम करेंगे, और इससे जो हम लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं या डाइटरी हैबिट चेंज कर रहे हैं उसका फॉलोअप कर सकते हैं। रेगुलर चेकअप डॉक्टर से मिलके करते रहेंगे कि टाइम टू टाइम अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फर्दर टेस्ट डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन, तो मेडिसिन में मेटफॉर्मिन ज़्यादा हेल्पफुल है कि अगर प्री डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर को रिड्यूस करती है और साथ ही साथ वेट लॉस भी करती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।